देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की 144वीं जयंती पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आज रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। मैं ये शपथ अपनी देश की एकता की भावना। मुंबई के मरीन ड्राइव पर राज्यपाल कोश्यारी ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा छात्र, पुलिसकर्मी और सामान्य नागरिक शामिल हुए थे। यूपी में सीएम योगी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन के सामने सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू हुई इस दौड़ का समापन रविंद्र भवन पर हुआ। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, एसडीआरएफ और जिला पुलिस के जवान और सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। इसमें हर उम्र के लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में भी रन फॉर यूनिटी में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में आज ऐतिहासिक दिन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, यानी कि आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सब कुछ बदल गया। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। इसी के साथ राज्य में संसद के बने कई कानून लागू हो सकेंगे, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। अभी दोनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होगा। केंद्र शासित बन जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र के तमाम कानून लागू होंगे। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना अधिकार कानून, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, पॉक्सो एक्ट जैसे कई केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हो सकेंगे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के करीब 153 कानून खत्म हो जाएंगे। हाल ही में हमने देखा कि सेवंथ पे कमीशन जो सेंटर ने लागू किया था वो जम्मू कश्मीर के करीबन 4.5 लाख लोगों पर लागू हुआ और उन्हें काफी फायदा हुआ। कहीं ना कहीं जो गति है विकास की वो अधिकारियों के मुताबिक अब तेज होगी। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का असर साफ साफ नजर आ रहा है। स्कूलों में बाहरी गतिविधियों पर रोक के लिए दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार स्कूलों में मास्क भी बांटेगी। दीपावली पर हुई आतिशबाजी और हरियाणा पंजाब के खेतों में पराली जलाने से दिल्ली में लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर है। नोएडा में हालात और भी खराब हैं। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया है। बढ़ती परेशानी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने स्कूली बच्चों को 50 लाख मास्क बांटने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में स्कूलों को ये भी कहा गया है कि वो बच्चों के माता पिता को भी वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में बताएं और आउटडोर एक्टिविटी रोकने के लिए जागरूक करें। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की हरियाणा और पंजाब की सरकारें पराली जलाने का जो पूरा घटनाक्रम है उसमें जिस तरह से उनका रोल है वो इस बात को दर्शा रहा है कि वो कहीं न कहीं पराली का प्रदूषण दिल्ली के ऊपर जानबूझकर के थोपा जा रहा है और केंद्र सरकार जो है चैन से सो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों पर कार्रवाई की है, जो सरकारी एजेंसियां उनको सभी को इसमें शामिल किया गया है और उसके लिए उपायुक्त गुरुग्राम ने सख्त आदेश जारी किए हुए हैं। सभी संस्थाओं को उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है कि सभी संस्थाएं सख्ताई से ग्रैप के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी अनुपालना करेगी।